भूले हुए मुसाफिर तुझको कहाँ जाना, भूले हुए मुसाफिर तुझको कहाँ जाना, मंजिल कहाँ है तेरी इतना नहीं पहचाना, मंजिल कहाँ है तेरी इतना नहीं पहचाना, भूले हुए मुसाफिर तुझको कहाँ है जाना, हीरा जल में अपना विषयों में क्यों गवाया, हीरा जल में अपना विषयों में क्यों गवाया, कभी ये न सोचा तूने मैं क्यों यहाँ पे आया, कभी ये न सोचा तूने मैं क्यों यहाँ पे आया, क्यों लुटा दिया है सांसों का एक खजाना, भूले हुए मुसाफिर तुझको कहाँ है जाना। दो दिन की जिंदगानी, दो दिन का है मेला, दो दिन की जिंदगानी, दो दिन का है मेला, सब साथियों को तज कर जाएगा तू अकेला, कुछ नेक काम कर ले, बनता है क्यों दीवाना, कुछ नेक काम कर ले, बनता है क्यों दीवाना, भूले हुए मुसाफिर तुझको कहाँ है जाना। तो प्यारे बहनों और भाइयों, आज बहुत सुंदर घड़ियां है, बहुत सुंदर समय है, क्योंकि हमारा जीवन मनुष्य जीवन ऐसा है कि इसमें जब हम संसार में आते हैं तो छोटे बच्चे के रूप में पढ़ाई भी करते हैं, मेहनत भी करते हैं, और मेहनत करके अच्छे अच्छी जो स्थान है वो हम प्राप्त कर लेते हैं, और वो भी उस मालिक की कृपा से ही होता है, और उसके साथ कृपा के साथ मेहनत भी जरूरी होती है। तो उसी प्रकार से अभी अभी महेंद्र जी ने अपना जो कार्यकाल था जीवन का, सेवा का, ये सेवा होती है, सेवा का जो कार्यकाल था बहुत अच्छे ढंग से किया, और इससे अभी निवृत्त हुए हैं। तो इसके बाद जो है अब परमात्मा का भजन सिमरन, और जो है दीन दुखियों की सेवा, और निसहायों का सहयोग अगर इस संसार में हम कर सकें तो वही सच्ची सेवा है परमात्मा की। भूखे प्यासों को भोजन खिलाना, पानी पिलाना, यही हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य है। तो इसलिए अभी तो इन्होंने बिल्कुल लगभग 60 वर्ष तक का जो इनका ये जीवन यात्रा हुई है, इसमें बिल्कुल तंदुरुस्त, और आगे भी हम ईश्वर से, उस मालिक से, सदगुरु से यही अरदास करते हैं कि आगे भी इनका जीवन
खुशहाल रहें और तंदुरुस्त रहें, खुश प्रसन्न रहें और अपने जीवन को जो है तो अच्छे कार्य में लगाएं। यही हमारे जीवन का उद्देश्य होता है। बाकी तो इस संसार में आकर के अगर हम कोई बुराई करते हैं और किसी के साथ झगड़ा करते हैं, किसी भाई के साथ हिर विरोध करते हैं या कोई अहंकार करते हैं किसी चीज़ का, तो वो बहुत बड़ी चीज़ बुरी चीज़ है। अहंकार तो इतनी नीच चीज़ है, अगर आप बहुत आपने भजन कर लिया परमात्मा का, अगर अहंकार आ गया तो सब खत्म हो जाता है, खाली हो जाते हैं। तो इसलिए इंसान को अहंकार कभी नहीं आना चाहिए, बिल्कुल विनम्र होकर के हम अपने जीवन का यापन करें और विनम्र होकर के इस संसार में रहें, दीन दुखियों की सेवा करें और जो कोई ऐसा निस्सहाय है उसका सेवा करें। यही हमारे जीवन का उद्देश्य है, इसीलिए हमें ये जीवन मिला है। बाकी तो ठीक है, पेट भरने का तो एक ऐसा है कि सुबह खाते हैं तो फिर सुबह ब्रेकफास्ट हो गया, पहले तो बैटरी आ जाती है, फिर ब्रेकफास्ट आ जाता है, फिर कहते हैं कि अब जरा लंच हो जाए जल्दी तो अच्छा है, फिर शाम का डिनर हो जाता है और बीच में, और तो बस खाने पीने में ही सारा दिन लगे रहते हैं। लेकिन ये पेट कभी भरता नहीं, कभी तृप्ति नहीं होती है, भूखे के भूखे ही संसार में आते हैं और भूखे के भूखे ही संसार से चले जाते हैं, कुछ भी हमें नहीं मिलता। चाहे कितना बड़ा राजा महाराजा भी है, सारी दुनिया का राजा महाराजा भी है, वो तो बहुत दुखी है, उसको तो इतनी बड़ी माया में लिप्त हुआ पड़ा है कि मैं और बड़ा राजा बन जाऊं और ज़्यादा धन इकट्ठा कर लूं, लेकिन श्वास का तो कोई भरोसा नहीं है कि कब खत्म हो जाएंगे, कब वो पिंजरे का पंछी निकल जाएगा, कब इस जीवन की शाम हो जाए, ये तो कोई पता नहीं है। लेकिन इंसान को अहंकार बहुत है, तो ये अहंकार बिल्कुल इंसान को छोड़ देना चाहिए। जो प्राणी विनम्र होकर के रहता है और सबका सेवा करता है, सबकी सेवा में लगा रहता है, वही इंसान इंसान है। बाकी तो हमारा जीवन अगर वो आत्म ज्ञान नहीं मिला, तभी तो कहा है कि आत्म ज्ञान बिन सब जग सुना, क्या मथुरा क्या काशी, घटकी वस्तु दूर बतावे दूर की बात निराशी, कहत कबीर सुन बे साधो गुरु ये न भ्रमना जासे। तो अगर नाम नहीं मिला और ऐसे ही अज्ञानता में जीवन खत्म हो गया तो फिर बहुत समय तक फिर भटकना पड़ता है, नाना प्रकार के नरकों में सड़ना पड़ता है। तो तभी हमारे गीता जी में भी कहा है कि एक श्लोक में कि तेतम भूतवा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुणे मर्त्यो लोकम विशांति। और रामायण जी में भी कह रहे हैं कि ना ही दरिद्र सम दुख जगमाही, ना ही दरिद्र सम दुख जगमाही। दरिद्री किसको कहा? जो अज्ञानी है। ज्ञान कोई पढ़ने से नहीं होता है, पढ़ने से ज्ञान नहीं होता है, ज्ञान तो चढ़ने से होता है, जिसके लिए रामायण जी में कहा है कि बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिना कर्म करे भी दिनाना, पैरा बाजू चलना आता बाजू करना जिबे बाजू बोलना, नानक हुकुम शान के तस्मी में। तो हमारा जीवन का उद्देश्य यही है कि उस मालिक से, उस परमेश्वर से इसी जीवन में मिल सकते हैं। अगर इस मिले हुए नर्तन से चूक गए तो फिर बहुत समय तक फिर पता नहीं कितने अनंत अनंत युग बीत जाएंगे, सड़ते सड़ते दुख झेलते झेलते। लेकिन अभी कहते हैं कि थोड़ा सा समय मिला है इंसान को, और कहते हैं कि अभी हम बहुत खुशी और सुखी हो जाएं, ऐसा भी कर लें ऐसा भी कर लें, लेकिन कभी भी आपको जितने ज़्यादा आप माया में लिप्त हो जाएंगे उतने ज़्यादा कामनाएं बढ़ती चली जाती है इंसान की। तो आए हैं संसार में, फुर्सत न मिलेगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रीत कर लो राम से। तो जिस मालिक ने इतनी बड़ी अपार कृपा करी है,
नख चौरासी भरमंदिया मानस चोला पायो रे नानक नाम संभाल सो दिन नेड़े आयो। तो डाको चौरासी योनियों का भ्रमण करते करते कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गज मेन कुरंगा, कई जन्म पंखी सरपोयो, कई जन्म हैवर वृक्ष होयो, मिल जगदीश मिलन की बरिया, चिरंकाल दे संजरिया। तो किरे मुकुड़े गधे घोड़े पेड़ पौधे कई प्रकार की योनियों में भ्रमण करते करते, जैसे पहाड़ योनी है, ये भी योनी है, देव योनी है, ये भी योनी है, वो भी परमात्मा के आगे अरदास कर रहे हैं कि हमें भी इस योनी से छुड़ाओ। वो कुछ बना नहीं सकते, खा नहीं सकते, आप जितना मर्जी प्रसाद ले जाओ बना करके, वो नहीं खाएंगे, आपको ही खाना पड़ेगा। वो आपकी रक्षा नहीं कर सकते, वो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आपको परमात्मा ने परिपूर्ण ताकत दी है और वो विवेक शक्ति भी आपके अंदर रखी हुई है, जिस विवेक शक्ति के द्वारा हम मालिक जैसे परमेश्वर जैसे ही बन सकते हैं अगर हम उसका प्रयोग करें तो। लेकिन उसका प्रयोग कोई भाग्यशाली ही करता है, जिस पर कृपा राम की उसे प्राप्त हो, जिस पर वो मालिक कृपा करता है वो ही उसका प्रयोग कर सकता है। बाकी तो चले हुए ऐसे पशुओं की तरह, एक पेट भर लिया और बस इसी काम में लगे हुए हैं। तो पेट तो कुत्ता भी भर लेता है, बिल्ली होती वो भी भर लेते, कहीं भंडारा लगा हो वहां जाकर के हलवा पूड़ी वो भी खा लेती है। तो यही अगर इंसान का भी कार्यक्रम रहा तो क्या कमाया फिर संसार में आकर। तो अपने जीवन का अभी देखो, हम पानी पीते हैं, भोजन लेते हैं, फल खाते हैं और चीजें खाते पीते हैं, तो वो सब जीव है। तो जीव को जीव खाया जा रहा है। इस भूमंडल के अंदर इतने कीटाणु हैं, श्वास के द्वारा कितने ही अंदर चले जाते हैं, और एक सुई की नोक अगर जमीन के ऊपर रखी जाए तो पता नहीं कितने जीव मर जाते हैं। तो हम कोई अच्छा कार्य नहीं कर रहे, तो इससे हम उर्ण नहीं हो सकते। इससे उर्ण कब होते हैं, जब हमें वो नाम प्राप्त हो जाता है। वो नाम क्या चीज है? नाम परमेश्वर है, नाम कोई मंत्र नहीं है, नाम परमेश्वर है, वो शब्द है जिस शब्द के द्वारा सब कुछ बना है। उत्पत्त प्रलय शब्द हुए, शब्द ही फिर उत्पत्त हुए, उत्पत्ति और प्रलय शब्द करके ही होती है। वो ही है इस सृष्टि का बनाने वाला और सबका जीवन आधार, सबके प्राणों का मालिक वही है। उसकी कृपा से श्वास ले रहे हैं, उसी की कृपा से जी रहे हैं। अगर उसकी कृपा खत्म हो जाए तो फिर कुछ नहीं है, फिर तो केवल मात्र मिट्टी रह जाती है। फिर कहते हैं जी अब निकाल दो, अब इसका कुछ नहीं है, अब इसके बाप का कुछ नहीं है, निकाल दो। कितना बड़ा अब राजा भी है, महाराजा भी है, फिर चलना ही पड़ता है। तो कितने बड़े बड़े आए संसार में, सब चले गया। तो राणा राव न को रहे नरंग तुंग, फिर बारी आपो अपनी कौन बंधावे धीर। तो अपनी अपनी बारी से सब जा रहे हैं, आ रहे हैं। लेकिन अगर मनुष्य चोले मिलने का ध्येय का पता नहीं चला और पशु की तरह ही कार्य करते रहे, पशु फिर भी अच्छे हैं, वो किसी से ईर्ष नहीं करते, विरोध नहीं करते, किसी की निंदा नहीं करते, चुगलियां नहीं करते, किसी की बुराई नहीं करते, वो कुछ नहीं करते। अगर किसी ने कुछ खाने के लिए दिया खा लिया, नहीं तो खड़े हैं। लेकिन इंसान है, कोई चोरी करने में लगा है, कोई किसी का गला काटने में लगा है, कोई किसी का हक मारने में लगा है, को किसी को लूटने में लगा है, कहां ले जाओगे, कहां ले जाना है, किस काम का है? एक सुई तक नहीं ले जा सकते अपने साथ, सब कुछ यही छोड़ना पड़ता है, पापों की कमाई यही रह जाती है। तो इसलिए हम अपना जीवन नेक पाक सदाचारी जीवन बनाएं और अपने बच्चों को सुंदर, माता पिता अपने बच्चों को सुंदर उपदेश दें, ताकि आज ऐसे ऐसा नशा चला हुआ है संसार के अंदर कि बच्चे को जरा सा सुंगा दिया या खिला दिया, चिटा दिया थोड़ा सा, तो चल गया काम से खत्म है। तो फिर उसको वो लेना ही पड़ता, नहीं तो वो फिर जी नहीं सकता, क्योंकि उसका सर्कुलेशन जो है, ब्लड का जो सर्कुलेशन है, फिर वो धीमा हो जाता है।
तो इससे फिर उसको ऐसा लगता है कि मैं अब मरा, तो वो जीवन फिर बहुत बहुत बड़ा बुरा जीवन हो जाता है। इससे परमात्मा ने इतना सुंदर जीवन दिया है, बुद्धि दी है, विवेक दिया है, हाथ पांव काम करने के लिए दिए हैं, तो अगर हम बुद्धि विवेक का प्रयोग करें तो फिर हम इस संसार में दीन दुखियों की सेवा भी कर सकते हैं। ठीक है, किसी ने अच्छे कर्म किए हैं, एक बच्चा राजे के घर में पैदा होता है, जन्म से ही उसके लिए हजारों नौकर चाकर हैं, सोने का पालना है, सोने के चम्मच से खाता है, खिलाते हैं उसको, लेकिन एक बच्चा फुटपाथ पे पैदा होता है, माता को खाने के लिए नहीं है, उसके स्तनों में दूध नहीं है, बच्चा रोता है, तड़पता है, लेकिन हम अकड़ करके निकल जाते हैं दुखियों को देख करके। अगर हम अपना कमाई का दसवंध से भी अगर कम भी निकाल सकें उनकी सेवा के लिए, तो सबसे बड़ा लाभ है। अगर हम कहीं जाएंगे, चलो जी अभी बाहर इतने दाम करेंगे, वहां थोड़ी वो बैठा है, वो तो आपके अंदर बैठा है, बॉडी इज द टेम्पल ऑफ गॉड, वो आपके अंदर ही बैठा हुआ है, वो बाहर नहीं बैठा हुआ है, वही तो बोल रहा है। इस बात का पता तो तब चलता है जब गुरु मिल जाता है। बच्चे को शिक्षा चाहिए, उसको स्कूल जाना पड़ता है, शिक्षा उसी में होती है, अध्यापक अपनी तरफ से नहीं देता, शिक्षा उसी में होती है। प्राथमिक गुरु माता पिता होते हैं जो बच्चे को अच्छी शिक्षा देते हैं, उसको सिखाते हैं, और फिर दूसरे जो संसार का कोई विद्या कोई हुनर उसको सिखाते हैं, तीसरे वो गुरु होते हैं जो सारे धनों का धन दे देते हैं। अध्यात्म विद्या सर्व धनम प्रधानम, विद्या ददाति ज्ञानम, तो वो अध्यात्म विद्या जो है वो सारे धनों का धन है, सारे धनों का धन है। अगर वो विद्या प्राप्त हो गई, लेकिन हम क्या कर लेते हैं, कोई किसी को बना लेता है गुरु को, किसी को बना लेता है गुरु, तो वो होना चाहिए जो बिठाए और उठाए तब जब आपको परमात्मा का कुछ अनुभव दे दे। और जो हमारी आत्मा बंधनों में बंधी पड़ी है, बंधनों में बंधी हुई है, छह चक्रों में फंसी हुई है, ये शरीर छह चक्रों का है, गुरु क्या करता है, गुरु बहुत बड़ा दयालु होता है जो इन छह चक्रों से निकाल कर यहाँ पर ले आता है, यहाँ पे आ जाती है आत्मा, और यहाँ से फिर रुवानेत की काखा शुरू होती है, यहाँ से फिर चलना है आपको, फिर वो ताकत मिल जाती है, वो ताकत जो सब कुछ बनाने वाली है, फिर उसकी कमाई करो, वो आपको मिल गई, वो आपके पग पग हर घड़ी हर पल आपके साथ है, वो आपको नहीं छोड़ सकती, लेकिन हम भूल जाते हैं, याद आ गई तो बैठ गए, अगर याद नहीं आई तो एक महीना भी बीत जाता, फिर कहते हैं जी हमें तो कुछ नहीं मिल रहा है, लाइट नहीं आ रही है, साउंड नहीं आ रहा है, तो कैसे आएगा, वो कैसे आएगा, तो तभी आएगा जब प्रतिदिन हम उसकी याद में, जिसने कहते हैं ना जान दिए जिसने नाम भी देगा वही, जिसका इखलाक है उसी का अरजाक है, खुदा को भूल गए लोग फिक्रे रोजी रोटी में, रिज़्क का ख्याल है अरजाक का ख्याल नहीं, तो जिस मालिक ने जीवन दिया है, इतने भी नहीं हो जाना चाहिए इंसान को, उसको तो याद करना चाहिए, उसका धन्यवाद करना चाहिए कि परमेश्वर परमात्मा आपने इतना सुंदर जीवन दे दिया और सब कुछ दिया, आपने पूरा परिवार दे दिया, धन दौलत सब कुछ आपने दिया, आप दे रहे हैं, आपकी कृपा चल रही है, लेकिन आज संसार के अंदर, पहले इंसान जो होता है सतयुग के अंदर क्या होता था, बहुत बड़ी आयु होती थी, और द्वापर युग आया तो आयु घटनी शुरू हो गई, क्योंकि हमारे अंदर फिर वो विकार आने शुरू हो गए, आयु कम हो गई, 10,000 वर्ष रह गई। त्रेता युग में द्वापर युग आया तो फिर 1,000 वर्ष रह गई, कलयुग आया तो 100 वर्ष, लेकिन अब 100 भी नहीं है, अब 100 से भी नीचे आ गई, 100 वर्ष वही निकालेगा जो अपने धर्म के ऊपर तत्पर रहता है,
जो इंसान अपने धर्म से विचलित हो जाता है वो फिर ठोकरें खाता है। तो आपको जो है तो उस नाम को प्राप्त करना बहुत जरूरी है, जो सब कुछ बनाने वाला है। वो तो किससे मिलता है? गुरु से मिलता है। जो आप मुक्त मुक्त करे संसार सदा तिस जन को नमस्कार। जो आप मुक्त है, अगर किसे कोई बंधा हुआ है, अगर कोई दूसरा भी बंधा हुआ है, अगर उसको कहो कि भाई इसके बंधन खोल दे तो वो नहीं खोल सकता, उसको भी बंधन पड़े हुए हैं। खोल तो वही सकता है जो बंधा नहीं है, वही खोल सकता है। तो संसारे सिम क्षण धोपी सत्संग सेव दीन नाम अजामिल को एक क्षण का सत्संग मिला। अजामिल बहुत बड़ा, उन्होंने बहुत बड़े बड़े पाप भी किए, लेकिन अजामिल तो फिर परमात्मा ही बन गए। तो बहुत बड़ा पाप करते रहे, लेकिन जब उनको गुरु मिला, नाम मिला, नाम की कमाई की, तो फिर तो वो भी सफाई हो गई। उनके जितने भी कर्म किए थे सब कर्मों की सफाई हो गई, क्योंकि नाम बहुत बड़ी ऊंची चीज है। नामे ही ते सब कुछ हुआ, बिन सतगुरु नाम न जापे, गुरु का शब्द महारस मीठा, बिन चाके साध न जापे, कौडी बल्ले जन्म गवाया, चिन्ह नाही आपे, गुरुमुख होए ता एको जाने, हाँ में दुख न संतापे। तो फिर अगर हम गुरुमुख बन जाए और हमें वो धारा हमारे अंदर चल पड़े जो सब कुछ बनाने वाली है, परमात्मा का कोई रंग नहीं है, रूप नहीं है। दुनिया कहती है जी राम तो उधर बैठा है, राम तो मंदिर में बैठा है, तो राम तो हमारे अंदर ही बैठा है, वो सबके अंदर है। राम के बगैर तो कोई नहीं हो सकता, वो बाहर नहीं आया है, वो हमारे अंदर है, सबके अंदर बैठा हुआ है। बाहर तो कुछ नहीं है, वो आपके पास है, जिसको रमाकांत कहते हैं, रमने वाला राम, रामायण जी के अंदर रमाकांत, जो सब में रम रहा है। तो उस राम की जरूरत होती है, उसकी आवश्यकता होती है। तो उस राम को हम तभी जानेंगे, तभी जान सकते हैं जब हमें कोई ऐसा सदगुरु, कोई गुरु मिल जाता है, तो वो पहले दिन ही बिठा करके आपको उस राम से मिला देता है जो रम रहा है हमारे, जिसको सुनने से हमारे जन्मों जन्मों के दुख रोग संताप सब खत्म हो जाते हैं। सर्व रोग का औखद नाम, सारे रोगों की दवाई वो नाम है। आज रोग क्यों बढ़ गए? क्योंकि किसी में परमात्मा के प्रति श्रद्धा नहीं है, भाव नहीं है, किसी के प्रति नहीं है। ऊपर ऊपर से ही गाते हैं, बस गा लिया, राम राम कर लिया, राम राम करता सब जगह फिरे, राम ना पाए कोई। राम राम तो सारी दुनिया करती है, लेकिन राम तो रम रहा है, उसका कोई रंग नहीं है, उसका कोई रूप नहीं है, वो अनहद है, अनहद। उसको नहीं समझ सकते, कोई नहीं समझ सकता, लेकिन उसका पता तब चलता है जब हम कमाई करते हैं। और फिर जब कमाई करते हैं तो हमारा जो सुमिरन है वो परिपूर्ण हो जाता है, फिर सुमिरन नीचे रह जाता है, उसकी जरूरत नहीं होती। फिर हमारा ध्यान बढ़ना शुरू हो जाता है, ध्यान बढ़ना शुरू हो गया, ध्यान के बाद फिर आपका वो शब्द जाग जाता है, फिर अंदर जो है दो ऐसी ताकतें हैं, निरत और सूरत, वो दोनों ताकतें फिर जाग जाती है। तो फिर वहां, फिर जब वहां तक हमारी चढ़ाई हो जाती है, तो फिर वहां सात शब्द जो है वहां प्रकट होता है। फिर खेचे सूरत गुरु बलवान, फिर गुरु हमारी सूती को खेच करके अपने धाम ले जाता है। फिर आप ऐसे उड़ जाते हैं, जहाज की गति तो क्या है, आपकी गति वो है कि आप सारे खंडों ब्रह्मांडों की सैर करके फिर इसी शरीर में आ जाएंगे, ऐसी गति है, ऐसे हैं आप, इतनी बड़ी ताकत है आपके पास, परमेश्वर जैसी ताकत है। लेकिन दुख आ गया तो दुख भोग लिया, सुख आ गया तो सुख भोग लिया, बस सुख आ गया तो खुशी हो गए, अगर दुख आ गया तो बड़े दुखी हो जाते हैं कि जी ये दुख हमारे लिए था, परमात्मा को कोसते हैं। तो आप क्या कर रहे हो? क्या आपको परमात्मा में मिल गया, परमात्मा मिल गया? तो राम आपके पास है, वो वहां नहीं है, कहीं नहीं, बाहर नहीं बैठा है वो कहीं भी। वो तो दशरथ का बेटा राम था, लेकिन जो राम है, रमने वाला, जो सब कुछ बनाने वाला है, जिसके लिए गुरु नानक देव साहिब ने एक बड़ी सुंदर बात कह दी
कि सबदे धरती सबदे आकाश सबदो सबद भय प्रकाश सगल सृष्टि शब्द के पाछे नानक घटो घटाचे। जो सबके अंदर वो धारा चल रही है, रिम झिम बरसे अमृत धारा मन पीवे गुरु शब्द बिचारा। तो अमृत हमारे अंदर बस गई तो उसको पीने वाले बन जाओ, वह आपको अमर कर देगी, सदा का जीवन दे देगी। फिर आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, कहीं दुख नहीं झेलना पड़ेगा आपको। फिर आपके लिए कोई फिर रोग नहीं रह जाता, कोई दुख नहीं रह जाता, आनंददायक जीवन हो जाता है, सुखदायक जीवन हो जाता है। तो दुख तो अदय जद बिसर जाए, दुख तो हमें तभी आते हैं जब हम उसको बिसार देते हैं। सुखदाता को सब सुखदाता राम है, दूसर ना ही ना कोई। कौन सा राम है यही पता नहीं, राम भी चाह रहे हैं। अब कौन से राम की जरूरत है जो हमारे में रम रहा है, उस राम की जरूरत है। उसको आप तभी जान सकते हैं जब आपको गुरु मिल जाए और फिर आपकी चढ़ाई हो जाए और आप सचखंड पहुंच जाए। फिर पता चलेगा कि आपको कि हम तो सारे राजाओं के राजे हैं। फिर कितने सायरन बजेंगे, कितनी जय जयकार होगी, कितना कुछ होगा, कितने आपकी वो जय जयकार होगी और क्या आपको आनंद मिलेगा। इतनी लवलीन हो जाती है आत्मा, हम आत्मा है, इतने लवलीन हो जाते हैं, इतनी जबरदस्त चढ़ाई हो जाती है कि बस फिर जहाज की जरूरत नहीं आपको, जहां मर्जी पहुंच जाओ। फिर ऐसी ऐसी चीज है आपके अंदर। गुरु नानक देव जी के समय का वाक्य है, उनको सारी दुनिया का भला करना था। वैसे तो दुनिया ने उनको बड़े दुख दिए, बोझे उठवाए, जेलों में डाल दिया, बहुत दुख दिए, कुरैया कहा, लेकिन वो तो परमात्मा थे तो तभी चल रहे। तभी उन्होंने नहीं कहा कि दुनिया तो दुख देने वाली है, क्या करना इनका भला करके। लेकिन सतगुरु सबना दा भला मनाएगा, किसका बुरा कोई क्यों होए, तो सतगुरु ने सबका ही भला करना है। अगर आप परमात्मा को कोसते भी हैं, सतगुरु को कुछ बोल भी देते हैं, तो वो थोड़े बुरा मानते हैं कि तो मेरे बच्चे हैं, अगर चलो कोई बात नहीं, इनको क्या पता, बोल दिया तो कोई बात नहीं, मैंने तो इनका भला ही करना है। अगर आपका बच्चा है तो आपने आपको इसका बुरा थोड़े सोचेंगे, आपने उसका अच्छा ही करना है। वो कैसा भी है आपके लिए तो प्यारा है, आप उसको समझाएंगे, अगर समझ जाता है तो फिर उसके लिए बहुत अच्छा है, अगर नहीं भी समझता है तब भी गुरु का प्रयास रहता है, सदगुरु का प्रयास रहता है कि मैं इस बच्चे को भी समझा दूं ताकि ये अपने जीवन में अच्छा बन जाए। तो इसलिए हमारा जो जीवन है ये बड़ा नेक पाक जीवन होना चाहिए। लेकिन दुनिया पढ़ने में लगी है, बाहर ही दुनिया फंसी हुई है कि पता नहीं जंगलों में बैठा है, पहाड़ों में बैठा है, पता नहीं कहाँ बैठा है। बाहर तो काल ही काल है जो सबको चट कर जाता है, जो सबको खा जाता है। 1 लाख पैदा करता है प्रतिदिन, 1.25 लाख पैदा करता है, 1 लाख उसका आ रहा है प्रतिदिन, खा देता है, मुंडियां अपने गले में डालता है। तो उसी की सेवा में दुनिया लगी हुई, उसी को मत्थे टेकती है। पता नहीं है कि किसकी पूजा करनी है, कि किसको मानना है, ये पता नहीं है। बुरा ना मानना, अपनी ये सच्चाई बता रहा हूं, ये हमारे महापुरुषों ने बताई सच्चाई, वही बता रहा हूं। तो दुनिया उसी में लगी हुई है।